हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बार गॉसिप में। दिव्या अग्रवाल ने की है अक्षरा सिंह के साथ मस्ती, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस मस्ती का कारण। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले संडे के वार में करण जौहर ने दिव्या के ऊपर एलिगेशन लगाया कि दिव्या जो है उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। हालांकि ये बात आप लोगों को भी पता है कि काफी ज्यादा झूठ थी और दिव्या अग्रवाल को भी पता थी, पर इस बीच में दिव्या अग्रवाल और अक्षरा की दोस्ती जो है वो काफी ज्यादा उसमें खटास पड़ गई। पर इसी बीच में दिव्या अग्रवाल ने अपने एफर्ट्स लगा के अक्षरा सिंह को काफी ज्यादा समझाया और बोला, और बोलने के बाद जो है इनकी दोस्ती जो है फिर दोबारा से एक्चुअली में अटैच हो गई। और आज जो है एक और संडे का वार होने के बाद, यानी कि बॉस मैन की क्लास लगवाने के बाद, फिर घर में जो है खुशी का माहौल है। इसी बीच में अक्षरा जो है वो किचन एरिया में खड़ी है, उन्होंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है और उन्होंने अपना माइक जो है वो लगाया नहीं, जिसके कारण दिव्या उनकी जो दोस्त है उनको माइक लेके आके देती है। और उसी दौरान ही उनकी नजर जो है अपने क्लचर के ऊपर पड़ती है, जहां पर दिव्या उनको माइक देने जाती है और फिर पीछे आ जाती है कि भाई नहीं दूंगी, ये तो मेरा क्लचर है ना। तो वहां पर अक्षरा जो है ज्यादातर क्लियर आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि उनके पास माइक नहीं था, माइक जो है दिव्या ने लिया हुआ था, दिव्या उनको दे नहीं रही थी। इसी बीच में ये दोनों जो है काफी सा मस्ती मजाक और खींचा तानी करते हुए नजर आए, जहां पर आखिरकार दिव्या ने जो है उनका माइक जो है उनको दे दिया और वहां पर अक्षरा ने बोला ये तेरा क्लचर है, बाद में भी मैं ले लूंगी। तो ये मस्ती की अपडेट आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि अक्षरा को दिव्या से दोस्ती करनी चाहिए और दिव्या को अक्षरा से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये दोस्ती असली है या एक्चुअली में नकली है, अपने विचार जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।